बच्चों, वेलकम टू माय चैनल द इंग्लिश टीचर ब्रिजेश पांडे। टुडेज वीडियो इज मीन फॉर क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ के बच्चों को इंग्लिश पोएट्री सेक्शन से चैप्टर टू पोएम द ट्रू ब्यूटी को एक्सप्लेन करने वाले हैं स्टैंजा वाइज। साथ ही साथ इसके हार्ड वर्ड मीनिंग्स को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड विथ एज यूजल इसकी जो सेंट्रल आइडिया है वो आपको हम बताएंगे। तो रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि इसको अन्य स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, शेयर करें, ताकि वे अपने एग्ज़ाम जो उनकी आगामी परीक्षा है उसको लेकर वे तैयारी कर सकें अच्छे से और समझ सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अबाउट द सेंट्रल आइडिया फर्स्ट, इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल एंड हेट्स द फिजिकल ब्यूटी विदाउट वर्च्यूज। द फिजिकल ब्यूटी दैट इज रोजी चिक्स, कोरल लिप्स, स्टार लाइक आइज डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम और एज द टाइम पासिस। एज अ रिजल्ट लवर्स फीलिंग्स टुवर्ड्स हीज बिलव्ड कूल्स डाउन। ऑन द अदर हैंड द ट्रू ब्यूटी और यू कैन से एज द स्पिरिचुअल ब्यूटी विथ इट्स क्वालिटीज लाइक जेंटलनेस, प्योरिटी ऑफ माइंड एंड सोल रिमेन परमानेंट। तो बच्चों, अब आपको इसके स्टेंजा को हम समझाएंगे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। द ट्रू ब्यूटी जिसका नाम है शीर्षक का सच्चा सौंदर्य, थॉमस कैरू जी ने लिखा हुआ है। ही वॉज द ग्रेट पोएट इन द 17th सेंचुरी। तो इसमें पहले स्टेंजा को आपको समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। ही दैट लव्स, ही मतलब लवर्स, जो लवर है उसको ही कहा गया है, यानी वह जो प्रेमी है। That loves, यहाँ पर that का मतलब who, यहाँ पर that जो है यह who के लिए है। तो he यानी lover, who loves a rosy cheek यानी कि प्रेमी जो प्रेम करता है, रोजी का मतलब गुलाबी गालों से, गुलाबी गालों से, यानी वह ऐसी प्रेमिका से प्रेम करता है जिसके गाल गुलाबी हैं, ठीक है। और a coral lip, या उस प्रेमिका के जो lip हैं मतलब जो होठ हैं वो कैसे हैं, लाइक ए जेम, एक मूंगा होता है, कोरल मतलब मूंगा होता है, दैट्स जेम, दैट्स अ वैल्यूएबल स्टोन, कीमती पत्थर होता है, उसकी तरह उसके ओठ लाल हैं क्योंकि वह जो मूंगा होता है लाल होता है, ठीक है। एडमायर्स, तो ऐसा प्रेमी जो होता है ऐसी प्रेमिका की तारीफ करता है, किसकी तारीफ करता है, किस चीज़ की, उसके गुलाबी गालों की या उसके ये कोरल यानी मूंगे जैसे लाल होठों की तारीफ करता है। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइज डथ सीक, तो पहले देखते हैं आर फ्रॉम किस से, स्टार लाइक तारों समान चमकीली आंखों से। यहाँ पर जो स्टार लाइक आइज है यानी उसकी उसकी प्रेमिका की जो आंखें हैं वह ब्राइट हैं, चमकीली हैं, किसके समान, स्टार के समान यानी तारों के समान। तो डथ सीक, सीक का मतलब होता है लुक फॉर यानी कि खोजना, तो वह उन आंखों में खोजता है, क्या खोजता है, फ्यूल टू मेंटेन, ईंधन खोजता है, फ्यूल मीन्स ईंधन होता है बच्चों, तो वह फ्यूल खोजता है टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन का मतलब जिसको वह चला सके, हिज फायर्स, फायर्स यहाँ पर फायर्स सब जो आया है वह फायर्स ऑफ लव के लिए है, यानी कि प्रेमाग्नि, जिसको बोल सकते हैं प्रेमाग्नि, तो अपने प्रेम की ज्वाला को चलाने के लिए वह ईंधन ढूंढता है, यानी उसी उसी से प्रेरित होता है। तात्पर्य यह है कि जब तक उसकी प्रेमिका के जो गाल हैं गुलाबी हैं, या जब तक उसके जो होठ हैं वे मूंगे की तरह लाल हैं, या जब तक उसकी आंखें तारों जैसी चमकीली हैं, तब तक वह उसको देखने के लिए, उसके प्रति आसक्त होने के लिए या उसके प्रति आकर्षित होने के लिए वह उसके अंदर फ्यूल यानी कि ईंधन की तरह उसको मेंटेन किए रखता है, उसको खोजता रहता है। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डीके, लेकिन क्या होता है, एज ओल्ड टाइम, लेकिन जब क्या होता है, ओल्ड टाइम का मतलब वेन द ओल्ड एज कम्स टू हिज बिलव्ड, जब उसकी प्रेमिका जब बूढ़ी होती है या जब बुढ़ापा आता है, तो मेक्स दीज डीके, तो जितनी ये फिजिकल ब्यूटीज आपको बताई गई ऊपर ये समाप्त हो जाती हैं, डीके का मतलब नष्ट हो जाना, तो ये नष्ट हो जाती हैं। सो हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, तो जो इसकी फ्लेम्स हैं, फ्लेम्स का मतलब प्रेम की ज्वाला है, फ्लेम मतलब ज्वाला होता है, फ्लेम मतलब ज्वाला, तो ये जो प्रेम की ज्वाला है मस्ट वेस्ट अवे, वे समाप्त हो जाती हैं, बुझ जाती हैं। तात्पर्य यह है कि जब तक उसकी प्रेमिका के अंदर शारीरिक सौंदर्य,
होता है तब तक तो वह प्रेमी उसकी तरफ आकर्षित होता है, लेकिन जैसे ही उसको बुढ़ापा घेर लेता है या जब तक जैसे जैसे समय व्यतीत होता जाता है तो उसकी प्रेमिका की सुंदरता होती है वह धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। तो उसके उसके साथ साथ उसके प्रेमी का जो आकर्षण होता है वह भी समाप्त हो जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे जैसे वह उसके प्रति आसक्त रहता है लेकिन एज ओल्ड एज कम्स टुवर्ड्स हिज बिलव्ड तो उसकी जो लव होती है, उसकी जो प्रेम होती है वह भी चली जाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लाइन देखेंगे यहाँ पे आपका एस सेकेंड स्टेंजा है। बट अ स्मूथ हैंड स्ट्रीट फास्ट माइंड, यहाँ पर लेकिन कहा गया, लेकिन अ स्मूथ, स्मूथ का तात्पर्य बच्चों यहाँ पर है कंस्टेंट, यानी एक सा रहने वाला, लगातार एक सा बने रहने वाला। एंड स्ट्रीट फास्ट का मतलब होता है फॉर्म, इसका मतलब होता है फॉर्म मतलब दृढ़ रहने वाला माइंड। लेकिन अब यहाँ पर देखिए सेकेंड स्टेंजा में स्पिरिचुअल ब्यूटी की बात की गई है, यानी आध्यात्मिक सुंदरता की बात की गई है कि अगर जो है ऐसा मस्तिष्क हो जो हमेशा दृढ़ रहे, जो डिगे नहीं, जो बदले नहीं, साथ ही साथ वह लगातार एक सा बना रहे, यानी एक समान प्रेम करने वाला रहे, साथ ही साथ जेंटल थॉट्स एंड काम डिजायर्स, ऐसी प्रेमिका उसकी हो जिसके जो विचार होते हैं जेंटल थॉट्स वाले हों, यानी कि अच्छे विचार, गुड थॉट्स, अच्छे विचारों विचार उत्पन्न हो, एंड काम डिजायर्स, उसकी जो इच्छाएं हों शांत हों, उसकी इच्छाएं कैसी हों, शांत इच्छाएं हों, हार्ट्स विथ इक्वल लव, जो दोनों के हृदय हो इक्वल लव के हों, मतलब एक समान प्रेम करने वाले हों, साथ ही साथ कंबाइंड मतलब मिश्रित हृदय वाले दोनों लोग हों, प्रेमी और प्रेमिका के दोनों के हृदय मिश्रित हों और वे कैसे हों, हार्ट्स विथ इक्वल लव, यानी कि एक समान प्रेम करने वाले हों। किंडल नेवर डाइंग फायर्स, किंडल का मतलब प्रोड्यूस होता है यानी उत्पन्न करना, किंडल मीन्स उत्पन्न करना, एक्साइट करना, तो ऐसा वे उत्पन्न करते हैं ज्वाला को, फायर्स मीन्स यहाँ पर ज्वाला यानी प्रेम की ज्वाला, ये ऐसे प्रेम की ज्वाला को उत्पन्न करते हैं जो नेवर डाइंग है, जो समाप्त कभी नहीं होगी। ठीक है, ऐसी ज्वाला कभी समाप्त नहीं होगी। वेयर दीज आर नॉट, अब यहां पर जो है अंतिम दो लाइनों में जो पोएट है वह कहता है कि वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये ब्यूटीज नहीं है, जहां पर इस तरह की सुंदरता नहीं है, आई डिस्पाइज, डिस्पाइज मीन्स होता है हेट, घृणा करना, डिस्पाइज मीन्स क्या होता है बच्चों, घृणा करना। तो वेयर दीज आर नॉट, जहां पर ये सौंदर्य नहीं है, आई डिस्पाइज, मैं घृणा करता हूँ, लवली चीक्स और लिप्स, ऐसे सुंदर गालों को और लिप्स या होठों को और आइज या ऐसी चमकीली आँखों से मैं घृणा करता हूँ। तो यू नो स्टूडेंट्स, इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल विच इज ट्रू ब्यूटी एंड इग्नोर्स द फिजिकल चार्म्स इट इज इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यूज। तो ऐसे सुंदरता को उपेक्षित किया गया है जिसमें कोई आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, शारीरिक सुंदरता ही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब इसको आपको काम क्या करना है, इसको आपको शेयर करना है, जल्द से जल्द शेयर करेंगे ताकि आपको आने वाले चैप्टर्स को भी अच्छे ढंग से हम समझा पाएँ। हाँ, आने वाले समय में मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके क्वेश्चन आंसर को भी मैं डाल दूंगा, जिससे आप उसकी तैयारी अच्छे ढंग से कर सकेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।